سرور سروال از بچه سایم یادیت میز باشند چیم کن بچه سروال ایم نش مار که جوان سری تمام برادری چی ور مار تا فقط گاز بچه سایم یاد یادی چیم مار جوان سرت دیت و یا و مار یا گو گاز سرت کرد وای تام سنی نم کرد آتر نایب چند یه متشکر دلستی یه چند دوباره دلستی کار با بهی چند یه تون وای دیمان دو لب دم تنای خارچی نه دم خارچی نه چی تو چه کار تا سون تاتری تو باوری نه چند دست بگری نه چند سون سایم بچه سایم کمان میشی زامو تو کمایی کنی تو کات گاچی سمار نکیم دوباره دلستی مار نکویی که زامو ترسی خودی نایب تام میم کارو یم تاج بچه سایم کارو داری نکی یم تاج نت باچن व्यूअर्स आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। नाजरीन रोजावल से ही हमारी ये कोशिश रहती है कि हम बेबस और बेसहारा लोगों की आवाज मिलाकर शोर मचाने की कोशिश करते हैं, शायद हमारे अफिसरानों और हुक्मरानों की कानों तक भी वो शोर सुनाई दे। जी हाँ नाजरीन, कल शाम को हमने जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन शात्रो पंचायत सी चिनगाम के बहुत दूर दराज इलाका इस सरवाड़ से इस 71 साली बूढ़ी माँ की कहानी चलाई थी, जो बहुत दुख भरी कहानी थी। बूढ़ी माँ का साफ उस वक्त भी यही कहना था कि जो इसके लड़के हैं, जब माइक्रो कंटेनमेंट जोन 11 तारीख को घोषित किया गया बनगाम पेड़गाम और सरवाड़, और 12 तारीख को इसके बच्चों ने इसको मारा और पीटा, और उन बच्चों का साफ ये भी कहना था कि हम आपको जिंदा दफना देंगे और 14 दिन देखते हैं हम यहाँ पे कौन आएगा। उसके बाद जब बूढ़ी माँ ने हमें 6 बार फोन किया था, रोते रोते माँ ने फोन किया था, और मजबूर होकर हम कल शाम को यहाँ पे पहुंचे थे, और कल शाम को हमने आपको यहाँ से एक वो दुख भरी कहानी दिखाई थी। जी नाजरीन, जो हमने वो कहानी बोल्ड वॉइस पे दिखाई और तुरंत छात्रों पुलिस हरकत में आई, SHO साहब ने एक टीम को तश्कील दी जो ESI शाह मोहम्मद की कयादत में हुई, और 2 से 2.5 घंटे पैदल तेज सफर करने के बाद जो है पुलिस की टीम। कल शाम को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इस बूढ़ी माँ जिसका नाम द्रुबी देवी जौजा बेवा तोताराम साकड़ा सरवाड़ चिनगाम है जी जी, जिसने अपने बच्चों के बारे में कोई दाद फरियाद, इसके 4 बच्चे हैं जी, उसका खावन फोत हो चुका है जी, तो जो इसको बहुत तंग तलब करते हैं, मारपीट करते हैं, कोई खर्चा वगैरह नहीं देते हैं जी, तो इसने अपनी सेवा के लिए अपना दामाद और अपनी लड़की को अपने घर पे रखा हुआ है जी। तो जब हमने ये वीडियो सुनी तो हम तुरंत SHO साहब की हदायत पे यहाँ मौके पे पहुंचे जी, और हमने बूढ़ी माँ से पूरी इसकी फरियाद सुनी, इसके स्टेटमेंट कलमबंद किए। तो अब जो इल्जाम अलीगान है इसके लड़के दीवान चंद, नायब चंद, लाल चंद, जो कि बनगाम में रहते हैं, पेटगाम में रहते हैं, जहां पे इस वक्त कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, जहां पर इस वक्त जाना नामुमकिन है जी, वहां पे हालात ठीक होने पर ही इस मसले बिल्कुल 100% हमारी कोशिश होगी कि इसको पूरा इंसाफ दिलाया जाएगा, दोबारा इस किस्म की कोई भी इसकी शिकायत दर करम बोल्ड वाइज अस्ती लिहाजा कर छात्र पुलिस अस्ती SHO साहब अस्ती कि आय मतलब क्या सियाई जुत्र दुत माइक्रो जोनस मन क्या दोन फरियाद सु फरियाद वो ऑन क्या दोन कत तव मुताबक क्या दोन कर छात्र SHO साहबन विकस आन घर में पुलिस टीम दे तो हमसे पूछताछ हो गया, लेकिन कि हमारा इंसाफ होने लगा है तो क्या आज की इंसाफ हमें मिल सकता है। इससे अलावा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बोलती भी काम है। शुक्रिया करो छात्रो ये शुक्रिया सुन कू बोझ तो यमो बोझ में उन घर वोधन छुम नको तो वन सच वन बर बोधन छुम नको तो शुक्रिया बच्चे गुल क्या बच्चे वन खत्म मार दे दमो कर्म रोज दमक ओर गद गम गड़क बो कौन मजदूर सत्य क्या ने जरूरत कह वो। तो नाजरीन, अभी तक आपने जो ASI छात्रों से SHO साहब ने टीम में उसकी नजरिया में जो टीम तश्कील दी उसका भी आपने सुना, और इस बूढ़ी माँ का भी सुना, और इसके दामाद का भी सुना। बूढ़ी माँ का भी यही कहना था कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ SHO छात्रों का कि जिसने इस गरीब और बेबस और बेसहारा माँ की आवाज सुनकर टीम को तश्कील दी। हम शुक्रिया अदा करते हैं SHO छात्रों का कि जिसने इस बूढ़ी माँ की आवाज को सुना, और हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि हम
बेबस और बेसहारा लोगों की आवाज में आवाज मिलाकर उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। तब तक जुड़े रहें बोल्ड वॉइस के साथ, दीजिए इजाजत कैमरामैन साजन कुमार के साथ, मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज, चरवाड़ चिनगांव छात्रों किश्तवाड़। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।